ये मसाला भिंडी हमारी तैयार है। इसको रोटी और पराठे से दोनों से खा सकते हैं। अब इसके आगे सादी भिंडी, भरवा भिंडी, वो सब हम आपको बताएंगे। हमारी वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलो हम बनाना शुरू करते हैं। आज मसाले वाली भिंडी बनाने जा रहे हैं, उसके लिए आधा किलो भिंडी ले लेंगे। धोकर इसको जाली में डाल देंगे। ये सूख जाएगी तो उसको कट कर लेंगे। अब ये हम एक किलो भिंडी का मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच ज़ीरा, 2 चम्मच अक्खी धनिया, 7 मिर्च हैं। इसको तवे पे भून लेंगे स्लो स्लो आंच पे और इसको जार में पीस लेंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है, फ्लेम को स्लो कर देंगे। अब ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे। इसको डालकर अच्छे से 5-10 मिनट के लिए, जब तक हो नहीं जाता, जब तक हिलाते रहेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, देखो अब भाप निकलने लगी है मसालों में से। अब ये हो गए हैं, अब गैस बंद कर देंगे और उसको तवा पे ही रहने देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक ठंडा नहीं हो जाता। ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको निकाल लेंगे। ठंडा हो गया, अब इसको जार में निकाल लेंगे। मसाला हमारा बारीक हो चुका है, अब इसको निकाल। एक कढ़ाई गरम कर लेंगे, उसमें 2 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। राई का तेल पसंद है तो राई का तेल से ज़्यादा अच्छा बनता है, नहीं आपकी मर्ज़ी कोई भी तेल डाल सकते। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें प्याज डाल देंगे। एक प्याज कटी हुई रखी थी वो डाल देंगे। प्याज हो जाएगी तो हमारी ये एक मसाला पीस के जो रखे थे उसमें से 2 चम्मच मसाला है, 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है पाउडर, थोड़ा कलर आने के लिए डाला गया, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है। प्याज हमारी हो गई है, अब इसमें हल्दी और ये शिमला मिर्च पाउडर डाल देंगे और ये जो पाउडर पीस के रखे तो वो भी डाल देंगे, नमक डाल देंगे। इसको सब मिक्स कर देंगे। अब इसमें भिंडी डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और स्लो आंच पे इसको ढक्कन लगा के 15 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद चेक करेंगे गल गई है कि नहीं, तो फिर 5 मिनट के लिए और रखेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, अब इसको खोल कर देखें कैसी हुई है। इसको थोड़ा अलट पलट हिला देंगे, अभी कम पकी है। इसको 5 मिनट के लिए और रख देंगे। इसमें थोड़ा हल्का सा पानी भी दिख रहा है, वो भी जल जाएगा। 5 मिनट में तैयार हो जाएगी। पाँच मिनट हो चुके हैं, अब इसको देखते हैं कैसी बनी। ये देखो अब इसका पानी जल गया और एकदम पक गई है, तैयार हो गई है एकदम। कितनी फटाफट बन गई है। अपना चाहे तो मसाला स्टोर कर सकते हैं पीस कर। 20 मिनट में बनकर तैयार हो गई। टिफिन के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब के लिए कितना इजी तरीके से तैयार हुई है।